लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस बदतमीजी के लिए माफ करिएगा साहब, आपको इतनी जल्दी हानि करनी चाहिए थी साहब। साहेब का जो बेल रिजेक्ट हो गया ना मैडम, उस खुशी में खिला रहा हूँ। देखिए साहेब, बड़ी रानी पहले जैसी नहीं रही। साहेब के बारे में बुरा सोचना या बोलना उसका हक सिर्फ हमें है। अब बहुत जल्दी बाहर आएंगे साहेब। साहेब आपको मैं सब बताना पड़ेगा। देख रहा हूँ काफी पैसा खर्च किया जा रहा है तुम्हारी देखरेख पर, सिवाय एक अच्छे वकील के। बाल भी सफेद होने लगे। ये औरतों वाले ताने बंद कीजिए, कुछ मर्दों वाली बात कीजिए और सीधा मुद्दे पे आइए। काम क्या है ससुर जी? तुम्हारी हरकतों ने हमारी जरा तमीज से बनी अंकल। राजघरानों में दामाद की पूजा होती है। इसी रिश्ते को तोड़ने आए हैं, अपनी बेटी को नरक से निकालने के लिए आए हैं। तुम रंजना को डिवोर्स दे दो बस, मैं तुम्हें यह केस जीत कर दूंगा। देश का टॉप का वकील लेकर आऊंगा, सारे पैसे खर्च करूंगा, तुम उसे छोड़ दो बस। उसकी जिंदगी जी थोड़ी रही है, वो मर रही है हर रोज, बच्ची है वो। पेपर्स तैयार करवाइए। आपको इतनी जल्दी हानि करनी चाहिए थी साहब। क्या? हमने सुना सब। इस बदतमीजी के लिए माफ करिएगा साहब, आपके जैकेट के पॉकेट में हमने माइक्रोफोन लगा दिया था। साहब आपको मैं सब बताना पड़ेगा। देखिए साहब, बड़ी रानी पहले जैसी नहीं रही, पुराने तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको भी बदलना पड़ेगा। कन्हैया का एक भी गुण नहीं है तुम्हें। सिर्फ एक साहब, वफादारी। ये खुफिया हरकतें कहां से सीखी तुमने? दिल्ली में कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ऑफिसर थी साहब, टेक्नोलॉजी से कैसे बचना बचाना। कंप्यूटर के? राइट साहब। अब बहुत जल्दी बाहर आएंगे साहब, बाबा पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। बाबा को कहना किसी जोखिम भरे काम में हाथ न डाले। अगर बनी अंकल हमें बिना खून खराबे के बाहर निकाल दें तो उसमें कोई बुराई नहीं, हमारे निकलने के बाद तो खून खराबा होना ही। जिम्मेदारी निभाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट को अच्छा खासा बजट सैंक्शन कर रही हूँ मैं। अरे क्या बात है मैडम, क्या बात है। मुझे हिसाब नहीं देखना, काम देखना है। रानी साहिबा की जय। चली जाइए। जी बोलिए। मैडम आपका मुंह मीठा कराना था, हमारे तरफ के मशहूर दुकान के लट्टू हैं, लीजिए ना, टेस्ट करिए ना प्लीज प्लीज। अरे ये बजट सैंक्शन की खुशी में थोड़ी ना खिला रहे हैं, ये मैं साहेब का जो बेल रिजेक्ट हो गया ना मैडम, उस खुशी में खिला रहा हूँ। पूरा उठाइए, बढ़िया से खाइए। ब्रजकिशोर जी आप भी लीजिए। हाँ जरूर जरूर मैडम, पूरा उठाइए। नहीं नहीं भाई, बस इतने ही खाता हूँ। उठाइए पूरा, इससे ज़रा हम लीजिए। आप बजट कैंसिल करवा दूं आपका? नहीं मैडम, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? एक और लीजिए। जी जी, आप डायबिटिक है ना, इसलिए तो वो तो पूरा उठाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। उठाइए पूरा। 2012 का जो मर्डर चार्ज था तुम पर, दोबारा से करवा दो। खाइए खाइए। साहिब के बारे में बुरा सोचना या बोलना उसका हक सिर्फ हमें है। तुम लोगों का काम है जिंदाबाद जिंदाबाद करना, करते रहोगे तो जीते रहोगे। चलो निकलो निकलो। जी बोलिए थाना जी। आपने फाइल देखी? कौन सी फाइल? साहेब पे जो फ्रेश चार्जेस लगाने हैं हाईवे गैंग रॉबरीज के, आपकी परमिशन चाहिए थी। आपके ख्याल से कितनी सजा बढ़ेगी? 5 साल तो और बढ़नी चाहिए। आप देख लीजिए फिर लगाइए चार्जेस।
जी जी। उदय सर का आज मौन व्रत है, तो आप बोलिए, सर लिखेंगे और मैं जवाब दूंगा। मीटिंग तूने बुलाई है ना, तो तू रोना शुरू कर। ओके यूरेनस, सॉरी सॉरी। ओके उदय सर, मैंने लैंड खरीदा ईस्ट लंदन नियम पे, उधर कम्युनिटी सेंटर खोलने का, स्मॉल हॉस्पिटल। मौन व्रत है लेकिन ये चलती है। यस, तो उधर निहम में मेरे साथ कोई इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि उधर बशीर साहब का लड़का लोग, थैंक यू, उधर बशीर भाई का लड़का लोग ड्रग्स बिजनेस करते, लफड़े करते, डीसों लोग उस एरिया में जाता नहीं। आप इनको समझाए कि अपना बिजनेस किधर और करें। तो तेरा बिजनेस शुरू करने के लिए अपना बिजनेस बंद कर दूं? मेरा बिजनेस लीगल बिजनेस। सुन, योर एक्सीलेंसी, मैं यहां तुम्हारी ज्यारत करने या इंसाफ की दुहाई लगाने नहीं आया हूं। तुमसे पहले कभी मिला नहीं था और तुम्हारे इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देखा नहीं था, इसलिए चला आया। और राव साहब, मेरा बिजनेस जैसा भी है बहुत मेहनत से खड़ा किया है, इसमें दखल अंदाजी देने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि ताकत हम भी रखते हैं। नीचे देख लो, मेरे आदमी खड़े हैं, अगर मैंने जोर से छींक भी दिया ना तो यहां बहुत खून बह जाएगा, फिर दुश्मनी होगी, उसके बाद कितना खून बहेगा सोच लो। हमने कहा था ना आपके जन्मदिन पे खास तोहफा देंगे। चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए, इतना ही सीखा है। हैप्पी बर्थडे कुंवर जी। अब मौन व्रत तोड़ दीजिए, टाइम हो गया। प्लीज कुछ बोलिए ना। मन चाहता है कि इस वक्त कुछ ऐसा हो जाए कि ये दुनिया सो जाए, बस तुम और हम जगे रहें और उसके बाद ये दुनिया हमेशा सोती रहे। हाँ, सिर्फ इंसान ना जागे पर फूल, चिड़िया, चांद और सूरज, इन्हें बख्श दीजिए, थोड़ी माफी दे दीजिए इस दुनिया को। दुनिया से क्या शिकायत सुहानी, शिकायत तो अपनी किस्मत से है। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आपका जन्मदिन है आज।
हाँ, जन्मदिन। हर साल सिर्फ उम्र बढ़ती है सुहानी। किस्मत ने तुमसे मिलाया और मिलाते ही अपना दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं है, देखिए लंदन में वहां रात हो रही है ना, और यहाँ धूप खिली है, चांद और सूरज दोनों ही जागे हैं, पर जब दोनों मिलते हैं तो ग्रहण लग जाता है। हमारा इश्क भी कुछ ऐसा ही है, आप सूरज हो और मैं चांद हूं।